डिफरेंशिएशन तहसील निजामाबाद इकाई की हुई बैठक। जिला अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में फरिहा चौक पर शारदा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय ने कहा कि हमारे पत्रकारों के हित की बात के लिए संगठन सदैव तैयार रहेगा और घटना दुर्घटना होने पर 50,000 का बीमा हर पत्रकार को दिया जाएगा। वहीं प्रांतीय संरक्षक ने श्री संजय कुमार पांडे ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार का हित सर्वोपरि है। इसके लिए हम लोग शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमको सर्वप्रथम समाज के प्रति और स्वयं के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी। तहसील अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग संगठन की मजबूती के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। जिला अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संगठन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में अपना विस्तार कर रहा है। जल्द ही महाराष्ट्र में हमारी बहुत ही मजबूत टीम होगी। कार्यक्रम के आयोजक स्कूल प्रबंधक समाजसेवी सरल स्वभाव के विजय विश्वकर्मा ने आए हुए लोगों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्याम जी उपाध्याय, मंडल उपाध्यक्ष आजमगढ़ मनोज कुमार बौद्ध, पंकज कुमार पांडे, तहसील संरक्षक निजामाबाद प्रेम प्रकाश दुबे, जिला सचिव आजमगढ़ रामभवन यादव, अभिलाष उपाध्याय, सूर्यभान मिश्रा, नूरुल एन फिरोजी, जिला महामंत्री आजमगढ़ नीरज कुमार प्रजापति एवं रवि कुमार प्रजापति, सरफराज शुभम दुबे सहित अनेकों पत्रकार एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। तहसील अध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे जागरण के पत्रकार श्याम जी उपाध्याय जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश दुबे जी, हमारे भाई राहुल जी, हमारे मनोज जी, सभी लोगों के प्रयास से और हमारे पूर्वांचल प्रवक्ता हम लोगों के संरक्षक आदरणीय राजेंद्र राय जी का जो अमूल्य विचार आया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी अच्छी बात अभी हमारे तहसील अध्यक्ष ने कहा है कि आज जरूर कुछ चंद लोगों की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट आई, लेकिन फिर भी जो हमारा पत्रकार है, जिसको न कोई मानदेय मिलता, जिसकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से वह समाचार को कलेक्ट करता है, मुख्यालय भेजता है, दूसरे दिन वही समाचार जब पेपर निकलता है, जो लोगों के बीच में एक जनजागरण करने का काम करता है। अभी हमारे एक साथी पत्रकार साथी बता रहे थे कि जिस तरह से दूसरों की समस्याओं को लेकर पत्रकार आगे बढ़ता है, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और शासन प्रशासन मौन है, आज ऐसे वातावरण में हम सभी पत्रकार साथियों को एकजुट होकर मजबूती से अपनी समस्याओं को जो है आगे लाना होगा, तभी हमारी मजबूती को शासन प्रशासन समझने का काम करेगा। एक साथी ने हमारी बड़ी अच्छी बात कहा है, कभी भी अगर हम न्यूज को कलेक्ट करते हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो सामने दिख रहा हो। ये नहीं कि हम किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी ठेकेदार का बनकर हमको नहीं रहना है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, उसी दिन से हमारी कद्र घटती जाएगी। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, पत्रकारिता एक मिशन है, व्यवसाय नहीं। आजादी की लड़ाई में भी पत्रकारिता का एक स्थान रहा है। आज भी हमारे ऐसे पत्रकार ग्रामीण शहरी क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, जो चैनल के हैं, जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं अपने तहसील अध्यक्ष जी से, हमारे भाई प्रदीप जी हैं, मनोज जी हैं, जिस तरह से आपने इस निजाम पर तहसील को मजबूत बनाया है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय राज साहब ने विस्तृत रूप से बताया है कि संगठन अगर मजबूत रहेगा तभी हमारी एक पहचान होगी, लेकिन आज जिस तरह से आप सभी के प्रयास से पूरे जिले में, मैं सोच रहा हूं जिले के बाहर के भी जो जिले हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, लेकिन जिस तरह से हमारे अजय मिश्रा ने पूरी तन्मयता के साथ संगठन को खड़ा करने का काम किया, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से अपने साथियों
के साथ मिलकर उनके सुख दुख में जो इन्होंने भागीदारी इनकी होती है, मुझे अपेक्षा ही नहीं, घना विश्वास है कि पूरे जिले के जो भी हमारी तहसील है उनके पदाधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य बनाकर एक जो एकजुटता हमको दिखानी होगी, तभी जो हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, भले से अभी हमारे भाई प्रेम प्रकाश ने कहा है, अभी हमारे पांडे जी ने कहा है कि आप किसी पेपर के संवाददाता हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो भी किनारा कस लेता है। तो ऐसे